हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। आप सोचो ट्रेडर, अगर आपको पता हो इन कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा और इन कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, तो सोचो आप कितना पैसा बना सकते हो। तो आज हम इन 8 कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखेंगे। सबसे पहला हैमर यानी हथौड़ा। यह कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा हथौड़े की तरह दिखता है, तो इसे हम हैमर कहते हैं। हैमर का ये ग्रीन वाला पार्ट को हम बॉडी कहते हैं और नीचे वाला डंडी है उसे हम लोअर विक या शैडो विक कहते हैं, और जो ऊपर छोटी सी डंडी है उसे हम अपर विक या शैडो कहते हैं। आइए देखते हैं कि इसे लाइव चार्ट में पहचान कैसे करेंगे। पहला कंडीशन कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और हैमर हमारा बॉटम पर यानी सपोर्ट पर बनना चाहिए। दूसरा कि हैमर की बॉडी छोटी होनी चाहिए और लोअर वीक बॉडी के 2 या 3 गुनी या उससे बड़ा होना चाहिए। इसमें हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ होगा? जब हैमर के हाई को ब्रेक करके एक बुलिश कैंडल क्लोज देता है तो उसके क्लोज पर हमारा एंट्री होगा और हैमर के लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और इसका कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन या रेड दोनों हो सकता है। अगर ग्रीन कलर रहेगा तो हम इसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हैंगिंग में। यह हमारा हैमर की तरह ही दिखता है, पर हैमर हमारा डाउन ट्रेंड में बनता है और हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में बनता है। इसको पहचान करने का पहला कंडीशन कि ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए और हैंगिंग मैन टॉप पर यानी रेजिस्टेंस पर बनना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि हैमर की तरह ही इसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए और लोअर वीक बॉडी के 2 या 3 गुनी होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। इसकी भी कलर मैटर नहीं रखता, ये रेड या ग्रीन दोनों हो सकता है। अगर रेड कलर रहेगा तो हम इसे स्ट्रॉन्ग बेरिश कंसीडर करेंगे। इसमें हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ होगा? जब हैंगिंग मैन के लो को ब्रेक करके एक बेरिश कैंडल क्लोज देता है तो वहाँ हम अपना एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन के हाई के ऊपर रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इन्वर्टेड हैमर। यह हमारा हैमर का उल्टा होता है। हैमर में लोअर वीक बॉडी के 2 या 3 गुनी होनी चाहिए और इन्वर्टेड हैमर में अपर वीक बॉडी के 2 या 3 गुनी होनी चाहिए। इसका पहचान करने का पहला कंडीशन कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और इन्वर्टेड हैमर बॉटम पर यानी सपोर्ट पर बनना चाहिए, तब हमारा वहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। दूसरा कंडीशन कि इसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए और अपर वीक बॉडी के 2 या 3 गुनी होनी चाहिए। इसमें हम अपना एंट्री इन्वर्टेड हैमर के हाई के ब्रेक करके एक बुलिश कैंडल क्लोज देता है तो वहां हम अपना एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे रखेंगे। नेक्स्ट शूटिंग स्टार। यह हमारा इन्वर्टेड हैमर के तरह ही दिखता है, पर इन्वर्टेड हैमर हमारा डाउन ट्रेंड में बनता है और शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में बनता है। इसको पहचान करने का पहला कंडीशन कि ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए और शूटिंग स्टार टॉप पर यानी रेजिस्टेंस पर बनना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि इसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए और अपर वीक बॉडी के 2 या 3 गुनी होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। इसकी भी कलर मैटर नहीं करता, ये रेड या ग्रीन दोनों हो सकता है। अगर रेड रहेगा तो हम इसे स्ट्रॉन्ग बेरिश कंसिडर करेंगे। इसमें हमारा एंट्री कहाँ होगा? अगर शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक करके एक बेरिश कैंडल क्लोज देता है तो उस क्लोज पर हमारा एंट्री होगा और स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर रखेंगे। नेक्स्ट बुलिश सिंगल फिंग और बेरिश सिंगल फिंग। बुलिश सिंगल फिंग का ग्रीन कैंडल बड़ी होनी चाहिए और रेड कैंडल छोटी होनी चाहिए, यानी ग्रीन कैंडल के अंदर रेड कैंडल आना चाहिए। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर है या नहीं? तो ग्रीन कैंडल के ओपन और क्लोज प्राइस के अंदर रेड कैंडल के ओपन और क्लोज प्राइस होना चाहिए, और बेरिश इंगल्फिंग का रेड कैंडल बड़ी होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल छोटी होनी चाहिए। रेड कैंडल के ओपन और क्लोज प्राइस के अंदर ग्रीन कैंडल के ओपन और क्लोज प्राइस होना चाहिए। आइए दोनों को एक एक
करके देखते हैं। बुलिश इंगल्फिंग डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए यानी सपोर्ट पर बनना चाहिए, और इसमें हमारा एंट्री कहाँ होगा। बुलिश इंगल्फिंग के हाई के ब्रेक करके एक बुलिश कैंडल क्लोज देता है तो वहां हमारा एंट्री होगा, और बुलिश इंगल्फिंग के लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। बेरिश इंगल्फिंग अप ट्रेंड में बनना चाहिए यानी रेजिस्टेंस पर बनना चाहिए, और इसमें हमारा एंट्री कहाँ होगा। बेरिश इंगल्फिंग के लो को ब्रेक करके एक बेरिश कैंडल क्लोज देता है तो उस क्लोज पर हम अपना एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस बेरिश इंगल्फिंग के हाई के ऊपर रखेंगे। नेक्स्ट बुलिश अरामी और बेरिश अरामी। बुलिश अरामी और बेरिश अरामी पैटर्न, ये पैटर्न का नाम जापानीज लोगों ने रखा है क्योंकि जापानीज में प्रेग्नेंट लेडी को हरामी कहा जाता है, और ये पैटर्न प्रेग्नेंट लेडी के तरह ही दिखता है। जैसा कि बुलिश हरामी में रेड कैंडल मदर है और ग्रीन कैंडल बेबी है, वैसे ही बेरिश इंगल्फिंग का ग्रीन कैंडल मदर है और रेड कैंडल बेबी है। आइए दोनों को एक एक करके समझते हैं। बुलिश हरामी का पहला कंडीशन कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और बुलिश हरामी बॉटम पर यानी सपोर्ट पर बनना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि रेड कैंडल बड़ी होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल छोटी होनी चाहिए, और गैप अप ओपन होना चाहिए। गैप अप आप कैसे पता करेंगे कि गैप अप हुआ है या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेड कैंडल ऊपर से ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ गैप अप ओपन हुआ है, यानी पहले सेलर्स हावी थे, अब बायर्स हावी हो गए हैं, वो मार्केट को ऊपर पुश कर रहे हैं, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ बायर्स कंट्रोल में है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा बुलिश हरामी पैटर्न है, यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो सकता है। इसमें हम अपना एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। बुलिश हरामी के हाई को ब्रेक करके अगर एक बुलिश कैंडल क्लोज देता है तो उस क्लोज पर हम अपना एंट्री बनाएंगे, और बुलिश हरामी के लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। बेरिश हरामी। बेरिश हरामी का पहला कंडीशन कि ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए और बेरिश हरामी टॉप पर यानी रेजिस्टेंस पर बनना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि ग्रीन कैंडल बड़ी होनी चाहिए और रेड कैंडल छोटी होनी चाहिए, और गैप अप ओपन होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है, और रेड कैंडल ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें गैप ओपन हुआ है, यानी पहले बायर्स हावी थे, अब सेलर्स हावी हो गए हैं, ये मार्केट को नीचे पुश कर रहे हैं, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है क्योंकि सेलर्स कंट्रोल में हैं। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा बेरिश हरामी पैटर्न है, यहाँ से हमारा ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। इसमें हम अपना एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। बेरिश हरामी के लो को ब्रेक करके अगर एक बेरिश कैंडल क्लोज देता है तो उस क्लोज पर हम अपना एंट्री लेंगे, और बेरिश हरामी के हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे।